बात कर लेते हैं जी मीडिया के ऑपरेशन नीट के महाअसर की, जिसका असर अभी भी लगातार जारी है। नीट परीक्षा में गड़बड़ झाला करने वाले एक और गिरोह का जयपुर में पर्दाफाश हुआ है और इस केस में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि नीट की परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही पेपर बाहर आ गया था। जयपुर के भाकरोटा में मौजूद राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर से नीट का पेपर आउट हुआ था। व्हाट्सएप के जरिए पेपर आउट हुआ और पेपर को हल करवाकर परीक्षार्थियों को नकल करवाने के लिए 35-35 लाख की रकम तय की गई थी। ये 12 तारीख को ही डीएसटी टीम के कांस्टेबल की तरफ से एक सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज जो भाकरोटा थाना एरिया में है, उसमें रीट परीक्षा का आयोजन होना है। परीक्षा की टाइमिंग 2 से 5 थी और सूचना ये थी कि वहाँ पर पेपर को आउट कराया जाएगा और पेपर को आउट करा के बाहर से उसको सोल्व करके आंसर की परीक्षा हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम की त्वरित कार्रवाई के पश्चात वे फोन्स, वे व्हाट्सएप चैट्स, जिसमें पेपर को लगभग 2:30 बजे ही पेपर आउट हो गया। परीक्षा का समय 2 से 5 था और 2:30 बजे पेपर आउट हो गया था। पेपर वहां से पहुंचा और जो आंसर की बाद में आई उसको उन्होंने प्रिंट आउट लिया और वो प्रिंट आउट लेकर उस प्रिंट आउट की कॉपी अभ्यर्थी को दी गई। उस प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी भी हमारी टीम के द्वारा सीज की गई है। वे फोन सीज किए गए हैं और ये पूरा सौदा 30-35 लाख रुपए में तय हुआ था पर कैंडिडेट। अभी कितने अभ्यर्थियों के साथ ये सौदा हुआ था वो अनुसंधान का विषय है। अभी तक एक ही अभ्यर्थी को इसमें चिन्हित किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और उधर नीट के बाद बात कर लेते हैं एसआई भर्ती परीक्षा की। इधर आरपीएससी